हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग गाइस आईटीआई इंस्ट्रक्टर सीबीटी 2 का जो एग्जामिनेशन हुआ था 13th ऑफ जून 2023, कुछ ही दिनों पहले, जो 13 तारीख और 11 तारीख को आपका एग्जामिनेशन हुआ था गाइस, उसका हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले रिस्पॉन्स शीट का। अब इसके क्योंकि जल्दी से जल्दी आपको इसका ऑब्जेक्शन करना है, कुछ कुछ क्वेश्चन को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, तो वो आपको मैं क्लियर कराने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग आज के सेशन में इलेक्ट्रिशियन का जो पेपर हुआ था 13 तारीख को, उसको हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग 11 तारीख का जो आपका वायरमैन का एग्जामिनेशन था, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्शनेबल लगते हैं एस्पिरेंट्स को, तो वो भी हम लोग रिव्यू करेंगे। उसका इसमें भी अगर आपको डाउट हो गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा गाइस। ओके, सो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं, क्विकली गो थ्रू करते गए, क्योंकि हमने देखा काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे जो आईटी इंस्ट्रक्टर की जो CBT 2 की हमने मॉक टेस्ट लॉन्च की थी, उसमें से आपको क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हुए, तो हम लोग सारी चीज़ें वो डिस्कस करने वाले। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था उन्होंने, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई इन अ ट्रांजिस्टर, जहां पे हमारे पास बीटा का वैल्यू 50 है और आईबी का वैल्यू 20। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन हमारे महाजन को के हमारी सीरीज में पढ़ाया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, हालांकि अगर आपको एक फॉर्मूला पता है जो इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा करंट इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा। ओके, अभी देखिए बीटा क्या है, ये होता है हमारा डीसी करंट गेन। ठीक है, इट इज नथिंग बट अ डीसी करंट गेन। ओके, आईबी का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, माइक्रो एम्पियर में वैल्यूज बताई गई है। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगी हमारे पास में 20 माइक्रो एम्पियर है, तो 20 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा विच इज 50। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आता है वो होता है हमारे पास में 1.02 मिली एम्पियर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, और यही रिस्पॉन्स शीट में बताया गया, ये सेम आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन एक और पूछा गया था हमारे रेगुलर सेशन से, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे हमारे पास बैरियर पोटेंशियल जो है जर्मेनियम का, वो डायोड का कितना होगा। ठीक है, वो काफ़ी सिंपल है, 0.3 होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सिलिकॉन के लिए भी आपको पता होना चाहिए, सिलिकॉन के लिए हमारे पास 0.7 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हमें पूछा गया था, फॉर द जनरल डिफ्यूज टाइप ऑफ लाइटिंग द अमाउंट ऑफ इमर्जेंट लाइटिंग इन अ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शंस आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। मैंने ये क्वेश्चन हमारी मॉक टेस्ट नंबर 10 उसमें एग्जैक्ट आप जाके चेक कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पढ़ाया था। ठीक है, हमने पूछा था आपको जनरल डिफ्यूज टाइप ऑफ लाइटिंग है, इसमें कोई भी डाउट लेने की जरूरत नहीं है गाइस, ये 50% अपवर्ड और 50% जो है डाउनवर्ड लाइट थ्रो करता है। ओके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी विच इज 50 एंड 50, एंड इट इज ऑल्सो गिवन सेम एज इट इज इन अ रिस्पॉन्स शीट, तो इसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर, काफी सिंपल से क्वेश्चन थे। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव के लिए जो वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर रहता है, देखिए फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर में गलतियां काफी कबार स्टूडेंट्स करके आते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी में हालांकि, ओके, तो अगर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो जिसका फॉर्म फैक्टर होता है वो था हमारे पास 1.57, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। और अगर हम लोग फुल वेव की बात करते हैं तो इसका आंसर आता था 1.11। ओके, बट फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यही रिस्पॉन्स शीट में गिवन है, और ये हमने हमारे जो महाजन को हमारा AGE सुपर MCQ कोर्स हमने पढ़ाया था, वहाँ पे आपको सेम क्वेश्चन टेबल और चार्ट के माध्यम से आप इसको कवर कर सकते थे। ये हालांकि इतने बेसिक से क्वेश्चन है गाइस, अगर हम लोग रेगुलर यूट्यूब सेशंस भी देखते हैं तो भी आप ये चीज़ें कवर अप कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सम डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा टिन और लीड का जो प्रमाण होता है, ठीक है, जो हमारे पास प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रिशियंस शोल्डर में कितना होता है, एज इट इज क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट नंबर 7, उसमें क्वेश्चन नंबर 23 और हमारे यूट्यूब की सीरीज पे हमने ये पढ़ाया था गाइस। ठीक है, आपने देखा होगा जो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिशियन शोल्डर को, जिसमें 60% टिन रहता है, ठीक है, 60% टिन की मात्रा रहती है और 40% लेड की मात्रा रहती है। ठीक है, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिशियन शोल्डर, ये सेम मैंने आपको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया था, प्लम्बिंग या फिर टिनमैन शोल्डर, इलेक्ट्रिशियन शोल्डर और फाइन शोल्डर में टिन और लीड की मात्रा कितनी रहती है ये आपको पता होना चाहिए, और इसका यूज कहां पे होता है ये आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन काफी कवर बनते हैं, और इसे हमने यहां पे हमारे मॉक टेस्ट में देखा था और क्वेश्चन आपको यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ। ओके, एज इट इज क्वेश्चन है गाइस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, और सेम हमारे पास में रिस्पॉन्स शीट में बताया गया। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द वोल्टेज V1 इन द फॉलोइंग, सिंपल है, देखिए यहां पे इसका अगर आपको वैल्यूज दिखाई नहीं दे रहे, ये 4 ओम का रेजिस्टर है, ये हमारा 2 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पे माइनस प्लस ये 8 वोल्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास में 10 वोल्ट है। ओके, केवीएल लगाते हैं हम तो हम लोग इस पूरे लूप में, तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 वोल्ट है प्लस माइनस हमारा कितना हो जाएगा, हम लोग ये सेकंड टर्मिनल कंसिडर करते हैं तो 4i, इसमें से जो करंट फ्लो रहा है, लेट सपोज इट इज़ आई करंट और कैपिटल आई व्हाट्सो एवर। ओके, प्लस ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टर्मिनल हो गया, नेक्स्ट साइन नोटेशन ले लिया, प्लस 8 वोल्ट का। ओके, माइनस ऑफ, देखिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस, फिर हमारे प्लस माइनस, माइनस ऑफ 2i विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग
10 प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू 18 और ये माइनस 4 माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 6 आई। आई का जो वैल्यू निकल के आता है ये आता है हमारा 3 एम्पियर। अगर हमारे पास इसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो हमें पता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, ठीक है, इसके अक्रॉस में 3 ओम का देखिए 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके अक्रॉस में ड्रॉप कितना आएगा 4 × 3 विच इज 12 वोल्ट। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था, ये रिस्पॉन्स शीट में बताया गया, कोई करेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, सिंपल सा फॉर्मूला था, इसमें क्या है आर टी इक्वल्स टू आर नॉट जिसको हम लोग आर जीरो भी कहते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टी, डेल्टी जो होता है हमारा वो चेंज इन टेम्परेचर होता है गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, आर नॉट क्या होता है, ये हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, बिफोर टेम्परेचर चेंजेस। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था कि जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास 55 ओम्स, राइट, एंड जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास में रेजिस्टेंस आता है वो आता है हमारे पास में वो आता है 50 ओम्स। ओके, 50 ओम्स। तो हमें क्या पूछा गया था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि हमें अल्फा का वैल्यू पता करना था, ठीक है, तो हम लोग एक सिंपल रेशियो से निकाल सकते हैं। ओके, इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, फाइनल रेजिस्टेंस है हमारे पास में जो आर टी का हमारे पास वैल्यू है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस रहेगा कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज के बाद में, 55 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आर नॉट हमें नहीं पता, ठीक है। ओके, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 प्लस, ठीक है, डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फा का वैल्यू हमें नहीं पता वो हमें निकालना है, ठीक है, तो यहाँ हमें इनिशियल टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय, हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन को, नेक्स्ट टेम्परेचर था हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड, आर नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 0 क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो ये अल्फा इंटू 0 ये वैल्यू हमारी कंप्लीटली 0 हो जाती है। ओके, तो ये आर नॉट और आर नॉट का जो वैल्यू है हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, 55 डिवाइड बाय 50 इसका वैल्यू निकल के आता है 1.1 और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 1 प्लस अल्फा 25, ये 1.1 माइनस 1 हमारे पास वैल्यू निकल के आता है 0.1, अल्फा 20 है जिसका पास अल्फा का जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा, ठीक है, यह आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है और ये रिस्पॉन्स शीट में बताया गया, कोई भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी करंट है हमारे पास में I1 विच इज 100 एम्पियर्स, नेक्स्ट है प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स है N1 4 टर्न्स, ठीक है, सेकेंडरी करंट कितना है हमारे पास में I2 which is 5 ampere and we have to find out the value of N2 which is as simple as that, जो हमारा रेशियो होता है N2 divided by N1 is equals to I1 divided by I2 ना कि I2 divided by I1, यहाँ पे करंट का रेशियो उल्टा हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। N2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, I1 का जो वैल्यू निकल के आया वो हमारे पास यहाँ पे कितना है 100 ampere multiplied by I2 का वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे जो N1 का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो वो हमारे पास 4 एंड I2 का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 5। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाए 20 और 20 × 4 विच इज इक्वल टू 80, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स मतलब N2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास में 80, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, सेम रिस्पॉन्स शीट में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एम्पियर टर्न्स पर वेबर इज द यूनिट ऑफ, इट इज अ यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, सिंपल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सेम चार्ट मैंने आपको हमारे जो मॉक टेस्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मैंने पढ़ाया था और सेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मतलब क्या रिलक्टेंस क्या किसका यूनिट है एम्पियर टर्न्स पर वेबर, ठीक है। ओके, ये किसके एनालॉगस होता है हमारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के जैसा, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। अभी देखिए गाइस मैं क्विकली क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ, ठीक है, गो थ्रू कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरीली कि हम लोग क्वेश्चंस को डिटेल से समझ रहे, तो इस बातों को समझिएगा, ध्यान में रखिएगा। और अगर आप चाहते हो कि इसका डिटेल सॉल्यूशन बताओ हर एक क्वेश्चन को डिटेल में जाके, तो वैसा भी आप मुझे बता सकते हो। अभी हम लोग जस्ट रिस्पॉन्स शीट को एनालाइज कर रहे हैं क्विकली। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था, ये हमारे मॉक टेस्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 11 से एज इट इज पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग साइन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में साइन बताया गया था, इसका कलर्ड वर्जन हमने बता दिया है। ओके, तो ये ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड है, ठीक है, मान लो अगर आप सिंगल लेन में जा रहे हो, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो, देन यू कैन नॉट ओवरटर्न, ओके, यू कैन नॉट ओवरटेक द पर्टिकुलर व्हीकल ऑन कमिंग टू यू। ओके, जो हमारे पास में आगे अगर आपका व्हीकल जा रहा होगा तो इसको आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, ये हमारा साइन बताता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड, ये इसका करेक्ट आंसर है। पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड नहीं, ठीक है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ये नहीं, वन वे ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के इसमें हमें डाउट है कि हमारे पास जो रेफरेंसेस है वो अलग अलग वहाँ पे अलग अलग वैल्यूज बताएगी, क्योंकि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछी गई ग्लास इंसुलेटर की, ठीक है, तो वो करेक्ट काफ़ी सारे रेफरेंसेस में 140 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, लेकिन बाकी जगह आपकी वैल्यूज जो है वो वेरी करती है, डिफर भी करते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर मैं कहूँगा कि ये 140 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर से इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगर आपके इस पर मन में डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, जो शंट मोटर होती है, शंट वाउंड डीसी मशीन होती है, उसमें जो करंट होता है फील्ड वाइंडिंग का, वो रेटेड आर्मेचर करंट के कितने प्रतिशत होता है? वो सिर्फ 5% होता है, ठीक है, जो हमारा फील्ड करंट होता है विच इज इक्वल टू 5% ऑफ आर रेटेड आर्मेचर करंट। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, काफ़ी कम करंट हमारे पास रिक्वायर्ड रहता है डीसी शंट वाउंड मशीन के लिए, ठीक है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें से फ्लो होने वाला, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में, बैटरी का सेशन हमने पढ़ाया था यूट्यूब के प्लेलिस्ट के ऊपर, पर्टिकुलरली आईटीआई इंस्ट्रक्टर के आपकी सीरीज मैंने जो चलाई थी, ठीक है, उसमें वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ड्राई सेल में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना रहता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन से मटेरियल का बना रहता है रिस्पेक्टिवली। सिंपल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज मेडअप ऑफ कार्बन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज मेडअप ऑफ जिंक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ 11 kV 440 किलो वोल्ट 100 kVA ट्रांसफार्मर इज 415 volt, नो लोड पे अंडर फुल लोड कंडीशन में सेकेंडरी वोल्टेज कितना हो जाता है 400 volt, तो हमें परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, तो V नॉट माइनस V डिवाइड बाय V मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय V नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। V नॉट का हमारे पास में वैल्यू है 200 एंड इसका जो वैल्यू है हमारे पास में V नॉट का 415 volt है, ओके, माइनस 400 V, ओके, डिवाइड बाय हमारे पास 415 मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसका वैल्यू निकल के आता है हमारा 3.75%, ये हमारा रेगुलेशन हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडक्टर ऑफ 8 H कैरीज अ करंट ऑफ 1 A, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है 8 और करंट का वैल्यू कितना है 1 square, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 joules, ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सेम क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ CTS इन अ CTS वायरिंग इज व्हाट, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आता है केबल टायर शीथेड, लेकिन यहाँ पे कैप टायर शीथेड है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर गिवन है, और यही उन्होंने भी क्वेश्चन करेक्ट दिया, लेकिन यहाँ पे कैप टायर शीथेड है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे फुल फॉर्म के फॉर्म में पूछा गया था। ओके, ये हमने हमारे AJ सुपर MCQ कोर्स में क्वेश्चन पढ़ा था गाइस CTS टाइप ऑफ वायरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कैशुअलिटी इज अनकॉन्शियस बट इज ब्रीदिंग विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन, ठीक है, तो देखिए हम लोग उसके क्लोथ्स को लूजन कर सकते हैं, हम लोग उसको कांस्टेंट चेक कर रख सकते हैं उसके पल्स रेट पे और ब्रीदिंग पे, लेकिन हम लोग उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो आप पानी पीजिए करके उस केस में, तो हमारा बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, इट शुड नॉट बी डन, ठीक है, अगर वो अनकॉन्शियस है तो, ठीक है, वो ब्रीदिंग कर रहा होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस स्पीड में हमारे पास 2 pole सिंक्रोनस मशीन है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया द स्पीड विल बी डैश, ठीक है, सिंक स्पीड किस तरीके से निकालते हैं, NS=120×F/P, काफ़ी बार हमने क्वेश्चन कर चुके हैं मॉक टेस्ट में और हर जगह, ठीक है, 120 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है 50 डिवाइड बाय पोल कितने है 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 60, ओके, 60 मल्टीप्लाइड बाय 5, 6 5 30 और ये 20 यहाँ पे लग जाएगा, 3000 RPM इसका स्पीड हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, फंडामेंटल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पावर ऑफ अ लैम्प विच टेक्स अ करंट ऑफ 0.4 A एट 250 volt सप्लाई, उसके लिए हमारे पास 250 डिवाइड बाय हम लोग 0.4 करते थे, उसका हमारे पास में रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है, ये हमारे बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, जिसका वैल्यू निकल के आता है 425 ohms, राइट, अगर हमारे पास इसका वैल्यू निकल के आता है रेजिस्टेंस का और उसमें से हमें करंट फ्लो कितना हो रहा है वो हमें पता है, तो हम लोग उसका I²R drop ही हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि गाइस आपने डायरेक्टली 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 250 कर दिया, ये गलत हो जाएगा, राइट, तो इस केस में इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास में 0.4² × 250, ओके, नॉट 250 मल्टीप्लाइड बाय 625, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है हमारे पास में 100 watt, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए गाइस मैंने ये आपको क्यों बताया डायरेक्टली 0.4 × 250 आपका क्यों गलत है कि आप देखिए हम लोग यहाँ पे 250 × 0.4 करते तो भी हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट आना है 100 watt, ओके।
लेकिन कुछ कुछ जो कंडीशंस होती है गाइस उस केस में हमें उसका रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू निकालनी रहती है। ये आपको हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपने हमारा जो सेशन है लैम्प बेस्ड सेशन, जो हमने क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड सेशन लिया था जिसमें हमारे पास जो लैम्प के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं पैरेलल में सीरीज में मैग्नेटोमीटर, उस केस में हमने वो कॉन्फ्लिक्शन बताया, उसको जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इस केस में हम लोग डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो पूछा था गाइस, ये हमारे मॉक टेस्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर 15 है, वहाँ पे हमने जो करेक्ट आंसर मार किया, काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने उस क्वेश्चन को करेक्ट मार करके है और सेम आंसर की में भी बताया गया। डीसी शंट मोटर इसमें से कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमने कन्वेयर इसका करेक्ट आंसर हमारे मॉक टेस्ट में बताया था और सेम हमारे पास जो रिस्पॉन्स शीट में है वहाँ पे भी ये कन्वेयर ही इसका बताया गया। लेकिन काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने इसका करेक्ट आंसर एयर कंप्रेसर करके भी आया, हालांकि क्रेन्स और ट्रैक्शन सिस्टम में यूज़ नहीं होता, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में उन्होंने करेक्ट आंसर मार करके आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने अंडर रिव्यू रखा है गाइस, अगर आपको चैलेंज करना होगा तो चैलेंज कर सकते हो, अगर चैलेंज किया कंसिडर्ड हो चुका है, ठीक है, तो दोनों भी आंसर ये मार कर दिया जाएगा या फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन हमने जो आपको अभी तक पढ़ाया गया डीसी शंट मशीन के लिए हम लोग कन्वेयर्स का ही एप्लीकेशन होता है, बट सीरीज मोटर के लिए हम लोग एयर कंप्रेसर ही यूज़ करते हैं। काफ़ी जगह अलग अलग रेफरेंसेस में इसकी वैल्यूज अलग अलग लिखे होने के कारण एस्पिरेंट्स यहाँ पे गलतियाँ करके, लेकिन जो हमने मॉक टेस्ट नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था उसमें हमने इसका करेक्ट आंसर ये डीसी शंट मशीन का जो एप्लीकेशन है वो कन्वेयर ही आपको बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सेम क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 24 में आपको लिया था, यूट्यूब सीरीज पे भी पढ़ाया था गाइस जो टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे आपको वायर जॉइंट पूछा गया था, सिंपल है, ये हमारे पास वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी आपको गलतियाँ नहीं दिखाई दे रही, कोई भी ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिक्कत गई है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इसको गाइस जो हमारा राउंड नोज प्लायर ये करके आया गाइस, ये राउंड नहीं है, ये थोड़ा सा आपको जो है इमेजेस के माध्यम से आपको गलतियाँ हो सकती है। मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूँ, देखिए ये जो होता है इट इज़ नथिंग बट आप देख सकते हो ये डायगोनल होता है, ठीक है, डायगोनल कटिंग प्लायर है, नॉट अ राउंड नोज प्लायर। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर के में बताया गया डायगोनल कटिंग प्लायर, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है फ्लैट नोज प्लायर, ठीक है, जो राउंड नोज प्लायर नहीं होगा, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास में डायगोनल कटिंग प्लायर ओनली, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, सिंपल है गाइस, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो हम लोग इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, 12 वोल्ट डिवाइड बाय 4+2 विल बी इक्वल्स टू 6, इसका करंट का वैल्यू निकल के आया था 2 एम्पियर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ये सेम गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे पहले स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यूनिफॉर्म स्केल, आपको पता होना चाहिए मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट के लिए जो हमारे पास डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट से। ठीक है, तो जो वैल्यू होता है, ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ करंट से प्रोपोर्शन होने के लिए उसके कारण उसका यूनिफॉर्म स्केल नहीं होता है। यूनिफॉर्म स्केल किसका होता है, सिर्फ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है, जिसके जो हमारे पास करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है हमारा, ठीक है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास करंट के साथ। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, जिसको हम लोग VDR कहते हैं उसको हम लोग वेरिस्टर भी कहते हैं, ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये होता है हमारे पास वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ये सेम क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 13 में लिया था और सेम क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज रिचार्जेबल, सेम यूट्यूब सेशन की जो सीरीज हमने चलाई थी सेम वहाँ पे आपको पूछा गया था। ठीक है, सेकेंडरी सेल जो होते हैं, लीड जिंक सेल जो होता है, लीड एसिड सेल जो होता है वो हमारा रिचार्जेबल होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन अंडरग्राउंड केबल टू प्रोटेक्ट द आर्मरिंग, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, इस आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए फाइब्रस मटेरियल की लेयर चढ़ाई जाती है उसके ऊपर, उस लेयर को क्या कहते हैं, उस लेयर को हम लोग कहते हैं सर्विंग। ठीक है, इसके ऊपर की जो लेयर रहती है सर्विंग, सेम आपको मैंने पढ़ाया था गाइस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है गाइस वो वायरमैन के आपके जो रिस्पॉन्स शीट है उसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे करेक्शन से, तो वो भी हम लोग जल्दी से जल्दी रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स आपके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा कौन से क्वेश्चन में आपको गलतियाँ दिखाई दे रही होगी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल निकेल होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मॉक टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्वेश्चन पूछा था, एज इट इज रिफ्लेक्ट हुआ है, आपको इसका एग्जांपल्स मैंने बताए थे, यहाँ पे इसका निकेल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्मेचर टॉर्क जो डेवलप होता है डीसी मोटर में वो किसके बराबर होता है, जो टॉर्क डेवलप होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्सेस पर पोल एंड आर्मेचर करंट दोनों से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
EMF of 5 volt is induced in a coil when a current flowing through the neighboring coil is changing at a rate of 1 ampere per second. Find the mutual inductance. हमें mutual inductance के लिए किस तरीके से निकाल पाएंगे? माइनस एल डी आई बाय डी टी. चेंज इन करंट हमारे पास बताया गया है, ठीक है, 5 वोल्ट का EMF जनरेट हो रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय एल. हमें एल को पता करने के, तो और हमारे पास जो चेंज इन करंट कितना है, 1 एम्पियर. तो 5 डिवाइड बाय 1, 5 हेनरी. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इंडस्ट्री 4.0 एडवांस मॉड्यूल, जो कॉमन क्वेश्चन से फर्स्ट 5 क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ से पूछे गए थे. फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एआई का जो हमारे पास में एक कैटेगरी होती है, एक सब पार्ट होता है, ठीक है, तो वो जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, ठीक है, वो कौन से टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है एआई के, तो वो है हमारे पास में अप्लाइड एआई अप्रोच के ऊपर, ठीक है, अप्लाइड एआई अप्रोच के ऊपर ये फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कोई करेक्शन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग कैन स्ट्रांगली मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर ऑफ देयर ओन. ऐसा इसमें से कौन सा फैक्टर मोटिवेट करता है हमारे इंडिविजुअल को कि वो एक नया बिजनेस, नया एंटरप्रेन्योरशिप एक स्टार्ट करे, नया वेंचर स्टार्ट करे खुद का. तो देखिए, फाइनेंशियल गेन और रिवार्ड्स. आपको पता है खुद का अगर हम लोग सेटअप स्टार्ट करते, बिजनेस स्टार्ट करते, तो फाइनेंशियल गेन है, रिवार्ड्स भी उसमें आपको काफ़ी सारे मिलते हैं. रिस्क टेकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर. नेक्स्ट हमारे पास में द डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट ऑन द वर्क फ्रंट, ठीक है, खुद इंडिपेंडेंट होकर काम करना, ठीक है, खुद का बिजनेस खड़ा करना, खुद का वर्क शुरू करना, वो भी हमारे एक फैक्टर होते हैं. इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, विच इज एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एप्लीकेशन डोमेन इज ISA 100.11a प्राइमरीली यूज, ठीक है. ये जो हमारा डोमेन है, ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है, ISA का सबसे पहले फुल फॉर्म बताता है, ये होता है हमारे पास इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है. ये जनरली लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस और प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है. जनरली मोर देन 1 बिलियन प्लस हमारे पास जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं इस डोमेन को, ओके. तो ये हमारे पास काफ़ी एप्लीकेशन लेयर को, ट्यूनेबल लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए काम में आता है, और इसमें रिलायबल भी है, इसमें काफ़ी रियल टाइम अप्रोच भी हम लोग लगा सकते हैं. तो इसका लिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑटोमेशन इन लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द IoT. अभी देखिए गाइस, इसमें जो है दो ऑप्शन में गलतियाँ आपको एस्पिरेंट में दिखाई दिए, ठीक है. काफ़ी सारे क्वेश्चंस को इसमें काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने हमें रिव्यू प्रोवाइड किया. इनकरेक्ट स्टेटमेंट में बताया गया कि सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वाईफाई नेटवर्क ऑन टू द मोबाइल नेटवर्क इकोसिस्टम विल हैव अ थ्रेट ऑन इंटरनेट ऑफ सिस्टम. मतलब बताया गया कि जो हमारे एग्जिस्टिंग वाईफाई नेटवर्क्स है, ठीक है, मोबाइल इकोसिस्टम के इंटीग्रेशन अगर उसका होता है, ठीक है, तो उसमें उसके कारण हमारे जो इंटरनेट ऑफ थिंग इकोसिस्टम है उसको हमारे पास थ्रेट रहेगा, उसको धोखा रहेगा. ये भी हमारे पास एस्पिरेंट ने करेक्ट आंसर मार करके, एंड IoT इज़ नो लॉन्गर लक्जरी बट अ नेसेसिटी, ये भी आंसर मार करके. तो हम लोग इसको अंडर रिव्यू रखते गए. अगर आपको इसमें दिक्कत जा रही है तो प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम लोग इसके ऊपर भी डाउट रेज कर देंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है स्मार्ट फैक्ट्री का. तो देखिए, स्मार्ट आइडियाज है स्मार्ट फैक्ट्री का ये कंपोनेंट नहीं है. स्मार्ट मशीन, स्मार्ट इंजीनियरिंग एंड डेटा एनालिसिस इज ऑल्सो अ इंटीग्रल पार्ट, ध्यान में रखिएगा. तो ये आपका गलत आंसर अगर आपने सिलेक्ट किया तो गलत हो जाएगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी इंडस्ट्री एडवांस मॉड्यूल ट्रेड ग्रुप से पूछा गया था. विच इंडस्ट्री यूजेज क्वाइट हाई डिग्री ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम. इसमें से कौन सी इंडस्ट्री जो है साइबर फिजिकल सिस्टम का हाई डिग्री यूज़ करते थे. दैट मीन्स बताया गया कि साइबर फिजिकल सिस्टम का जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास एल्गोरिथम रहता है, कॉम्प्लेक्स सर्किटरी रहता है, वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है. एस्पिरेंट ने इसका ऑटोमोबाइल मार करके जो हम लोग कहते हैं कि गलत है. एरोस्पेस में गए अगर हम लोग देखा जाए तो काफ़ी हाईली इंटीग्रेटेड साइबर फिजिकल सिस्टम यूज़ किए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल से भी ज़्यादा, ठीक है. रेलवेज और टेलीफोन में हालांकि कम तौर पर यूज़ किया जाता है, लेकिन एरोस्पेस का जो कॉस्टिंग लगाई जाती है, जो यहाँ पे हमारे पास में इंजीनियरिंग लगाई जाती है, ठीक है, स्पेस इंजीनियरिंग रहती है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है. तो इसीलिए हम लोग इसको कंसिडर करेंगे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ चार्जर क्या है, ठीक है. ये होता है हमारे पास में हायर देन द बैटरी वोल्टेज. सिंपल है, अगर आपको 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करना होगा तो आपका जो बैटरी चार्जर होता है ये +14 वोल्ट से लेके +15 वोल्ट का होता है, ठीक है, तभी तो जाके हमारे पास ये बैटरी चार्ज कर पाते, ठीक है. ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इल्यूजन ऑफ इमर्जन बाय प्रोजेक्टिंग स्टेरियो इमेज ऑन द वॉल एंड फ्लोर ऑफ अ रूम इज कॉल्ड लेस, ठीक है. स्टेरियो इमेजेस को, दो इमेजेस को ओवर मर्ज करना, ठीक है, इसके कारण इल्यूजन क्रिएट करते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं केव. केव का फुल फॉर्म भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं केव ऑटोमेटिक वर्चुअल एनवायरमेंट. केव ऑटोमेटिक वर्चुअल एनवायरमेंट इसका फुल फॉर्म होता है. ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट गिवन है. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोलर एनर्जी इज नॉट यूज, मोबाइल फोन में सोलर एनर्जी यूज नहीं होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल में यूज होता है, वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में यूज होता है, लेकिन अगर हम लोग इसको देखेगा इसको अगर हम लोग थ्रेड निकालना भी चाहे तो मोबाइल फोन इसके पहले भी आ चुके गए जिसके बैक पैनल पे हमारे पास सोलर पैनल्स, ठीक है, सोलर मॉड्यूल्स लगाए होते थे। अगर हम लोग उसको उल्टा धूप में रखते थे तो वो कुछ अमाउंट हद तक वो चार्ज होता था, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप लोग देख सके तो इसमें भी हम लोग डाउट रेस कर सकते हैं। बट इन जनरल अगर हम लोग सोलर एनर्जी बात करते हैं ऑन अ मेन स्ट्रीम मीडिया लार्ज स्केल पे, तो हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में यूज़ करते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज़ करते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में तो यूज़ करते ही करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन इज विच सेंसर इज रिकमेंडेड फॉर रिलायबल टेम्परेचर मेजरमेंट इन अ प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एनवायरमेंट। उसके इसमें हम लोग रोसमाउंट 214C सेंसर ये यूज़ करते हैं। आगे से हमने क्वेश्चन करा लिया गया जो हमने यूट्यूब पर सीरीज पढ़ाई थी आपको, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। तो ये थे गाइस 40 क्वेश्चन जहाँ पे हमें डाउट लगा, जहाँ पे आपको रेज कर सकते हैं। अगर आपको उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई अदर क्वेरीज होती है एनवायरमेंट के ट्रेड के रिलेटेड, उसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप आने वाले एग्जामिनेशन BFCCIL के लिए या फिर महाट्रांसपोर्ट टेक्नीशियन के लिए या फिर आप NHPC SSC JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे पास में काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्सेज अवेलेबल है। अभी हमारे पास में सुपर 60 का ऑफर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CBT 1 एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें आपको 5 से ज़्यादा टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स हो गया, जनरल अवेयरनेस, साइंस हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, नॉलेज अबाउट रेलवेज DFCCIL, ये हमने इंटीग्रेटेड हमारे CBT 1 के लिए हमने एक इसका स्पेशल कोर्स लॉन्च करके रखा है। काफ़ी 60% डिस्काउंट पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, 399 इसका प्राइस है। ये हमारे कोचिफाई के चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग अगर आप महाट्रांसपोर्ट टेक्नीशियन तंत्र की तैयारी कर रहे हो तो इसका भी हमने 499 रुपीज़ में महा50 कूपन कोड के साथ में हमारा कोर्स लॉन्च करके रखा है। सारे वीडियो कोर्सेस है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के आपको ऊपर मिल जाएगा। NHPC के साथ आपको जो नए 3 टॉपिक्स पढ़ाए गाइस, ठीक है, नए 3 टॉपिक्स आने वाले, उसका भी हमने कोर्स लॉन्च किया सुपर MCQs, काफी नए सेशंस आपको इसके अंदर जल्दी देखने को मिलेंगे। इसका भी कूपन कोड है SSC50, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा और आपकी पढ़ाई कीजिएगा गाइस, ओके। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काम में आ सकते हैं। कोई भी क्वेरीज आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहां पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा गाइस, क्योंकि हम लोग वहां पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ टाइम टू टाइम करते रहते हैं। कोई भी रीसेंट सेशन देखने के लिए यहां पे क्लिक करके इसको जाकर देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे, मिलते अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।